तन आए प्रणाम कियो, तिनको मैंने आशीष दी, अपाय परे तुम हो रख साथ ही, बसी तई बेगी बुलाए नहीं, चरण गए रघुवंशी सुत, कौशिक नीत सुमेत भई, देव मुनीष दुरेश भई, कही कारण ओ नृप भीर भई। इस भीर का क्या कारण है? देश देश के नृपाल महिपाल, इसका कारण बताओ जनक। समाचार कहीं जनक सुनाए, यही कारण महीप शब आए, उलझ गई सारी दुलारी की ताई छे, पानी समेत खींचो समुचा भारी है, कौतुक विलोक तीनों में महान पड़े, जो तोड़े ये चाप को क्या है मेरी दुलारी है। ये कारण ना नहीं बेटी ने एक समय खेल ही खेल में अजगो का आपने जो दिया था, मैं पूर्णे को उस अजगो को उठा दिया। क्या अजगो को? फिर पांच वर्ष की कन्या, फिर क्या हुआ? मैंने उस पर प्रण कैसा प्रण प्रण किया, क्या कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा वही बेटी के साथ में विवाह प्रवेश करेंगे। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड महिदार, देखे चाप खंड महिदार। क्या ये वही की नाक है? क्या विश्वास नहीं होता हमें? क्या ये वही पिनाक है? अरे पूज्य पिनाक अधिको, ये हमें विश्वास नहीं होता जिसने, अरे पिनाक ये तुम्हारी दशा ये कैसे हो गई? श्रद्धा का अरे जनक तूने क्या करवा डाला? श्रद्धा का इतना बड़ा रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी औनति हमने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखी, इससे पहले कभी नहीं देखी। अरे जिसे मैंने माँ गौरा के हाथों पूजित पुष्पित देखा हो, श्रृंगारित देखा हो, जिसे मैंने गजानन और खरानन के हाथों खेलते हुए देखा हो, ये वही धनुष है, ये वही पिनाक है जो आज इन जनक की रंगशाला में आच्छादित पड़ा हुआ है, आच्छादित पड़ा हुआ है। अरे मैं कहता था ना कि संसार के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, एक समय ऐसा आया संसार पे जब कष्ट आया तो दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आए, इनका स्वार्थ सिद्ध हो गया तो इन्होंने तुम्हारी यह दशा करवा डाली। अरे हमने तो जाना है, हमने तो जाना है कि संसार में भी एक नियमावली होती है। अरे जब पापी से पापी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे भी चार लोग कंधा दे करके उसका अंतिम संस्कार बड़े विध्वस्त से करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ ज्ञानियों की सभा में, क्या कोई ऐसा ज्ञानी नहीं था जिसने इस विराट व्यक्तित्व पर सम्मान के साथ में, अरे सम्मान के साथ में संस्कार करवा देता? कोई नहीं था। मैं कहता था अधिगम
पर तूने मेरी एक नहीं मानी। अरे यहाँ श्रृंगार सम्मान तो क्या, यहाँ पर तेरे ना रहने पर ये वही कार्ती लोग हैं, तेरे ना रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं, सहनाइयां बजा रहे हैं। अरे पार्वत्या भरतुरायुधम ग्लानी भवत भारत निर्मोके चवाचुके नवलितम यत्सादरम नन्दा। अरे धनुदम हर तन मन नमतो नमाते सत्य नाम दुवे देदास तम दसता कुछ कह न गए प्यारे पिनाथ मैं फूट फूट कर प्यारो ये बिखर गई कर दो लरिया उनको कहते मैं हाय करो। अधिगो तुमने हर देखा होगा उद्धन मनहार मनोसी को अधिगो तुमने देखा होगा उस नर के हरी तपस्वी को बोलो बोलो प्यारे बिना तुम हुए करा साई कैसे तुम पर ही रचित था सुर मंडल ये आकार है विसनाई किसने अधिगो तुम्हारे खंड लगकर और ये हृदय फटता हमारा तूने के पूर्व तुमने हाथों नहीं हमको पुकारा आता पर है तुझारा घात जो छाया गया रो पड़ी मन दे सहारा अजिगो टूटने के पूर्व तुमने हाथों नहीं हमको पुकारा। अरे आशुतोष के प्यार प्यारे अरे आशुतोष के प्यार प्यारे गौरा माँ के राज तारे अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और मैं तेरे पास नहीं था क्या मुझ पर
पास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था, और पहले भी जन था जीवन था, पहले भी जन था जीवन था, पर शांति पूर्व भाविक था, पर हुआ नहीं ये किपुर दहन का, और इससे पहले भी मधुबन था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था, अरे पीर तुम्हारी ना रहने की हरिन नैनों में तिनके सिक्की करके क्या हम केवल कहने भर के अर सेवक और हितैषी घर के, अरे क्या मैं अरे क्या हम केवल कहने भर के सेवक और हितैषी घर के, अरे लेने को बदला मैं लूंगा, और कोई शक्ति न रो सकेगी, और बैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था, अरे कहाँ है जनक तुम तो क्यों नहीं बोलो, अरे कौन भगवान नहीं भजन कथा कहू जन जन के धनुष के तोरा, अरे कौन भरो बलवान नहीं निवराज ही मोबाइल बता दे, आज करो मन भाई सब है अरे नर साम है तन ही गो हर सा दे, वेग दिखाए दे ललिते निप मंडल तेरे तो दूर भगा दे, और देखे पिठार की धार वही दर तो हार दे गई बता दे, बोलता क्यों नहीं जनक, अरे तू आज मौन होकर तू सोचता है तू अपने प्राणों की रक्षा कर लेगा, तो तेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी जनक, बोलता क्यों नहीं, अगर आज तूने मौन न करके धारण किया तो तेरे राज की समस्त भूमि को उलट पलट कर दूंगा जनक, बोलता क्यों नहीं, बोलो जनक किसने ऐसा अपराध कर दिया, बोलो आज